मदे हर आज 14 फरवरी और सुबह के 5:30-6 बजे और रात्रि को हम पिपलिया के इस अन्य क्षेत्र पर रुके थे और आज सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठ गए और इसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि हम इतनी जल्दी क्यों उठे। तो यहाँ पर ये गर्म पानी का बम्बा है, फायर गीजर, तो गणपत जी ने सुबह सुबह लगा दिया है धुना और गर्म पानी हो गया है और राजेश भाई स्नान कर रहे हैं और बारी बारी से हम तीनों स्नान करेंगे और फिर उजाला होने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कैसा है रमेश भाई? तो बहुत अच्छा है, मजा आ गई, बहुत आनंद ही आनंद, इसे कहते हैं आनंद। चकिन्न राम रासुरादि पूजितम सुलक्षणीर तीर धीर पक्षी लक्षी कुंजित वशिष्ठ शिष्ट पीपलाद कर्दमादि शर्मदे तदीय पाद गजम नमामि देवी नर्मदे शनत कुमार नासिकेत कश्यप षटपदे दुतम सकीय मानसे सुनारदादि षटपदे रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सुबह अभी 7 बजने के होए और यहाँ क्षेत्र से हमें बाल भोग में पौवे मिले तो पौवे का आनंद उठा रहे। ये राजेश भाई कही है, गणपति जी कैसे है, पौवा कैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस लगाओ भोग। सुबह के अभी 7:15 बजे और यहाँ पर ये जगदीश भाई है, ये सुखदेव भाई है, इन्होंने आकर बाल भोग करवाया, चाय प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा पूरा जो गांव के जो सदस्य है वो सभी मिलकर यहाँ पर सेवा करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे जगदीश भाई? नर्मदे हर, नर्मदे हर, माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संस्थान पिपलिया जी, सभी नर्मदा परिक्रमावासियों से यही विनती करते हैं कि यहाँ पिपलिया आए और हमको सेवा का मौका दे और हम सेवा करते रहे और हमारा गांव सुख शांति समृद्धि से बना रहे। नर्मदे हाँ। और जगदीश भाई अभी 17 तारीख को मोटरसाइकिल से परिक्रमा की शुरुआत करने वाले हैं तो इनको शुभकामनाएं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बहुत ही सुंदर सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। नमो सूर्य देवाय। चलिए सीधे सीधे रास्ते पर, अब हमें पक्की सड़क ही मिलेगी आगे और यहाँ से आगे आएगा 6 किलोमीटर गणपुर आएगा और गणपुर के बाद देवगढ़ और उसके बाद करौली, ऐसे गांव आते रहेंगे। जैसे जैसे गांव में हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और पिपलिया से करीब 2-2.5 किलोमीटर चलकर आते हैं तो पिछली बार हम यहाँ से निकले तो कुछ नहीं था और इस बार देखिए तो रास्ते पर ही कष्टभंजन देव का बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि कष्टभंजन देव मतलब कि हनुमान जी है और इनका मुख्य मंदिर गुजरात में सारंगपुर में है, भावनगर के पास। और ये इनकी जो व्यवस्था है सारी ये स्वामीनारायण संप्रदाय करते हैं और यहाँ पर भी ये मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा ही बनाया जा रहा है। सुबह के अभी लगभग 9 बजने को हैं और पिपलिया से अब तक हमने लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 3 किलोमीटर की दूरी पर दाहुद गांव आता है और उसके बाद आता है 2 किलोमीटर की दूरी पर लिंगवाल जिसको हमने अभी अभी पार किया और दोनों ही जगह पर परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है और लिंगवाल से हमने बाल भोग पाया और चाय प्रसाद लेकर अब गणपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और गणपुर की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है। सुबह के 9:30 बजे
और लिंगवा से करीब एक आध किलोमीटर आगे आते हैं और पीपलिया से तकरीबन 6 किलोमीटर। रास्ते पर एक बिलट देव का मंदिर आता है, नाग देवता का, और उससे आगे से एक कच्ची सड़क जाती है पगडंडी मार्ग, और वो सीधा गणपुर को जाता है और सीधा वाला रास्ता बड़वानी जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारे विजय भाई वापस आ गए बाइक लेकर, बच्चों को लेकर शादी में जा रहे हैं और गणपुर जा रहे शादी में, और हमें देखकर यहाँ पर खड़े रह गए। कब है शादी? कल से चलू है। ऐसा है, दर्शन हो गए नाग देवता के? ठीक, हम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, नहीं 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 नहीं, बस बस बस। जय नाग देवता। और यहाँ ऊपर देखिए, जो नाग होते हैं उनका शास्त्रों में 9 कुल गिने जाते हैं, और उनमें अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कम्बलम, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, काल्य, इतने 9 कुलों के नाग होते हैं। चलो बड़ो आगे, नर्मदे हर। नहीं नहीं नहीं, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। नर्मदे हर, ये तो मैं काम करने वाले मजदूर नर्मदे हर कर रहे। और ये जो कच्ची सड़क है ये गणपुर को जाती है, मगर गणपुर के लिए वो पक्की सड़क भी जाती है। ये खेतों के रास्ते तो शॉर्टकट बना दिया लोगों ने। और पीछे हमारे राजेश भाई आ रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, कंकरीले पत्थर। और राजेश भाई को क्या, मेरे को भी बहुत दिक्कत है, एड़ी में कट लगा हुआ तो बचा कर चलना पड़ता। तो ठीक है, मेरा एड़ी का कट ऐसे चल रहा हो जैसे जंपिंग 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 कर रहे, 2-3 दिनों से चल रहा हो। एक आध पत्थर जीना से लग जाता है, मैं वापस तकलीफ चालू। और क्या है ये देखो, अबे बेहतर थोड़ा बस सफल तो लगता है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये गणपुर गांव है, और यहाँ पर भी रहने वाले निवासियों में पाटीदार समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, और परिक्रमावासियों की यहाँ पर भी अति उत्तम व्यवस्था होती है। पिछली बार हमने रात्रि विश्राम यहीं पर किया था और बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी की थी। गांव में पाटीदार समाज का भवन है, वहीं पर सभी परिक्रमावासी रुकते हैं। और इस तरफ से आते हैं तो ये आगे आती है गणपुर सौकड़ी, और सामने की तरफ रास्ता है वो हमारा परिक्रमा पथ है। वो विजय भाई ये इंतजार कर रहे भाई बाल भोग करवाने के लिए। सुबह के अभी 10:15 बजे और गणपुर चौकड़ी पर विजय भाई ने हमें दबाकर बाल भोग करवाया और चाय प्रसाद पाकर अब हम गणपुर से आगे बढ़ रहे हैं। क्या हुआ, दबाकर बाल भोग नहीं हुआ भाई? अरे दबा के भाई, पौआ खाए, समोसे खाए, और क्या खाओगे, पेट हो गया फूल, अब सीधा चलना ही है पूरे दिन।